पीलीभीत की तहसील के पूरनपुर जिला अधिकारी पुलकित खरे पीलीभीत को खूबसूरत बनाने में आगे बढ़ चढ़कर काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विकास खंड पूरनपुर के अधिकारी उनकी मेहनत पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। विकास खंड पूरनपुर के शेरपुर कला गांव के बीचों बीच पुराना तालाब जो जमा मस्जिद के पास है, तालाब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। गंदगी के वजह से यहां पर रहने वालों व राहगीरों को भारी परेशानी होती है। बीच गांव में तालाब स्थित है, उसके पास होम्योपैथिक अस्पताल व प्राइमरी स्कूल भी है। तालाब में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, गांव के लोग उस तालाब में मरे जानवर भी डाल देते हैं, जिससे दुर्गंध फैल जाती है। तालाब के चारों ओर जल कुंभ फैली हुई है, पानी काला हो चुका है। जिले के सबसे प्रदूषित तालाबों में एक इस तालाब के सौंदर्यकरण के लिए अधिकारी गंभीर नहीं है, जबकि सफाई व सौंदर्यकरण के लिए कई बार लिखित शिकायत भी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पर सफाई और सौंदर्यकरण के लिए शिकायत की, तब ब्लॉक पूरनपुर के अधिकारियों ने बिना सफाई और सौंदर्यकरण हो जाने की झूठी आख्या लगाकर शिकायत को निस्तारण करा दिया, जबकि मौके पर आज भी तालाब की हालत जैसी की तैसी बनी हुई है। यह तालाब अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा है, तालाब सौंदर्यकरण और साफ सफाई के अभाव में अपना अस्तित्व खोने लगा है। वर्तमान में तालाब की हालत तो यह है कि तालाब का पानी इतना दूषित है कि पानी को छूने का मन नहीं होता, चारों तरफ शैवाल और गंदगी से पटा हुआ है। इस गंदगी युक्त तालाब के सौंदर्यकरण की मांग कस्बा के नागरिकों ने की, जबकि तालाब की जमीन की नाप राजस्व विभाग के अधिकारी भी कर चुके हैं। तालाब की गाटा संख्या 395-06-88 इस तालाब पर जिला अधिकारी की नज़र आखिर कब जाएगी? मैं मीनू बरकाती निवासी शेरपुर कला का रहने वाला हूँ। एक तालाब है हमारे शेरपुर कला में होम्योपैथिक अस्पताल, और वहाँ पर जो है सरकारी अस्पताल भी है, जामा मस्जिद भी है, प्राइमरी स्कूल भी है और पंचायत भवन भी है, और गांव के बीचा बीच में एक बहुत बड़ा तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण और सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और डीएम सर का भी अभियान चल रहा है तालाबों को सौंदर्यीकरण किया जाए, उनकी सफाई किया जाए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इतनी शिकायतें उच्च अधिकारियों से की, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया गया, फर्जी निस्तारण कर दिया गया। वहाँ पर दिखा दिया गया कागजों में इसकी सफाई हो गई है, सौंदर्यीकरण हो गया, लेकिन ऐसा अभी मौके पर कुछ भी नहीं हुआ है। डीएम पीलीभीत को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे बिलासपुरमपुर के अधिकारी उनके इस अभियान पर जो है इसका उल्टा दिखा रहे हैं। वहाँ पर क्या नाम है आपका? फहीम बेग। क्या मामला है तालाब का, जो जामा मस्जिद के पास तालाब है उसका क्या मामला है? अरे तालाब के कई मरतबा मतलब लिखा पढ़ी भी करी गई, इसका चाहते हैं हम सुदृढ़ीकरण बन जाए। एक आवाज़ है कि निकलने बैठने वालों को बहुत ही गंदगी है वहाँ पर, जिसके पास एक विद्यालय भी है और अस्पताल भी है और जामा मस्जिद भी है, धार्मिक चीज मतलब इतनी गंदगी है जिसका ठीक नहीं। गांव के अंदर ये सुंदरीकरण अगर बन जाए तो गांव में साफ सफाई भी होगी और बढ़िया सा इस तालाब का साफ सफाई होके बढ़िया सा बन जाए जिसका, तो कई मरतबा इसकी शिकायतें करी गई, मंगल रिजर्व में भी दिया गया, जिसके कागज़ भी रखे हुए हैं, और फिर हमारे भाई लोग लगे हुए हैं इसमें इसी काम से कि इसकी गाँव की ये गंदगी दूर हो जाए, तालाब साफ हो जाए। सौंदर्यीकरण की मांग कर रहे हैं? जी हाँ, सौंदर्यीकरण हो जाए इसकी मांग है, आम जनता की मांग है।